जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन चार लोगों को अपने घर में भूल कर भी आप आने न दें, गलती से भी ना आने दें, क्योंकि ये चार लोग हमारे साथ अपने साथ कई सारी बर्बादी लेकर आते हैं, कई सारी ऐसी परेशानी लेकर आते हैं जिसको शायद हम बहुत दिनों तक सही नहीं कर पाते। तो वो कौन लोग हैं, उनके क्या क्या संकेत हैं, उनके क्या क्या तरीके हैं आपको किस तरह से वो अपने जाल में फंसाएंगे, वो सभी पर इस 3 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे। और इस बात का करने का सब्जेक्ट जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इससे आप एक बड़ी से बड़ी परेशानी से बच सकते हैं और एक बहुत बड़े तकलीफ से आप बाहर आ सकते हैं। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक सही और सकारात्मक जानकारी प्रदान की जाए। अगर आप अपने जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से अभी वर्तमान में गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है, शुल्क पे करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभू, हर हर महादेव और भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो लोग आपको आपकी बातें या किसी अन्य की बातें चुगली करते हैं। ऐसे लोगों से इसलिए मैं सावधानी रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग हैं आपके सामने यदि किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बात जान लीजिए कि वो आपकी बुराई भी या आपके द्वारा कोई कही गई बात में अपनी तरह से नमक मिर्ची लगाकर अन्य किसी व्यक्ति को प्रेषित कर रहे होंगे। और ऐसे लोग हमेशा एक बड़े विवाद को जन्म दे देते हैं जिसमें हमारी कोई गलती होती नहीं है और बात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। ये आमतौर पर बहुत सारे जातकों के साथ मैंने देखा है और बहुत सारे जातकों ने इस विषय को फेस किया है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोगों का जो संकेत है वो यह है कि वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, वो आपको किसी अन्य के बारे में चीज़ें आपको जो बातें बताएंगे कि ऐसा है, ये है, वो है, और वो आपके जो विचार है उस विषय पर जो भी आपने अगर आपने एक पॉजिटिव वे में कहा और उसको वो अपने तरह से करके सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कह देंगे। इस वजह से कई बार परेशानियाँ हमारी बढ़ जाती है, हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं और चीज़ें इस तरह की घटित हो जाती है। दूसरे वो लोग जिन लोगों की नीयत साफ नहीं होती है, जो लोगों की नीयत साफ़ नहीं होती उन लोगों को कभी भी घर में हमें जाने अनजाने में भी ना आने देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो लोगों की नीयत साफ़ नहीं होती ना वो जिस घर में जाते हैं वहाँ की बरकत को छीन लेते हैं, वहाँ पर दरिद्रता लाते हैं, वो अपशगुन लाते हैं और अशांति को जन्म देते हैं। इसलिए जिन लोगों की नीयत साफ नहीं है, पहले तो अगर इनकी संगति आप कर रहे हैं तो इन लोगों का साथ छोड़ दें, धीरे से साथ छोड़ दें, और ये लोग आपके लिए तकलीफदेह विषय बन सकते हैं। तीसरे वो लोग जो नशा या व्यसन करते हैं, नशा और व्यसन कभी भी घर में करके न जाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता, अशुभ लक्ष्मी आती है और घर में तनातनी अशांति का माहौल फैलता है जिससे कि हमारा एक खुशहाल परिवार जो है तकलीफों में पड़ जाता है। चौथे लोग वो हैं जो लोग आपको कर्ज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि कर्ज इस दुनिया में अभी इस कलयुग में मैं मानता हूँ मिडिल क्लास बिना कर्ज के कुछ नहीं कर सकता है, पर कर्ज जो है जितने हो सकता है उससे बहुत कम लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो कर्ज जो है उससे भी सावधान हमें रहना चाहिए। अच्छा लगा, लाइक करें, ओम नमः शिवाय।